आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, मगर माननीय विधायकों के ठाट में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक विधायकों के सरकारी खर्च पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य करीब 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर नेताओं की ठाट बाट में कोई कमी नहीं है। राज्य गठन से लेकर अब तक के 21 साल में विधायकों के वेतन भत्तों पर करीब 96.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान विधायकों को 13,45,00,000 रुपए वेतन का भुगतान भी किया गया, जबकि करीब 83 करोड़ रुपए भत्तों के रूप में पेमेंट किया गया। इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, चालक भत्ता, सचिव भत्ता और मकान का किराया शामिल है। ये सब जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई है। जब इसका विश्लेषण किया गया तो पता ये चला कि 96 करोड़ 42 लाख रुपए जो है 42,39,105 रुपए खर्च हो चुके हैं 21 वर्षों में, नवंबर 2021 तक वेतन और भत्तों में, केवल वेतन और भत्तों में। और इसमें 13,43,45,875 रुपए का वेतन का भुगतान किया गया माननीय विधायकों को, और 82 करोड़ रुपए, जबकि जो है वेतन से भी कई गुना ज़्यादा है, 82,98,93,230 रुपए के भत्तों का भुगतान। अब सवाल उठ रहा है कि जो प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा हो, उसके नेता इस तरह से सरकारी पैसों के दम पर ऐश कर रहे हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसपे दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। बैंक का जो ऋण है, ऋण के ऊपर जो ब्याज है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा बजट आता है तो हम उसमें एक नज़र मार के देखते हैं, एक सार ये नज़र आता है कि तकरीबन हमारे पास टोटल बजट में जो है 60% के आसपास ही पैसा बचता है जो हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। 40% पैसा जो है वो वेतन पे, वेतन भत्तों पे या पेंशन पे या और जो दूसरे हमारे सरकारी खर्चे हैं उसमें चला जाता है। ये हाल तब है जब उत्तराखंड पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर हालात यही रहे तो अगले 3 साल में उत्तराखंड पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। उत्तराखंड में वेतन और पेंशन पर सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा खर्च होता है। राज्य सरकार के कुल बजट का 50% हिस्सा तो वेतन और पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। इस पर विधायक कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विवेक है। देखिए, कुल मिलाकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा विवेक होता है। ये बिल्कुल ठीक सिस्टम है। पंजाब में जो एक वन टाइम किया गया, पेंशन का हो चाहे क्या कहते हैं वेतन का हो, तो कुल मिलाकर के वहाँ पहले से ही वहाँ पे अधिक वेतन है, अधिक पेंशन है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों को करना चाहिए, अपने राज्य हित के लिए, जनहित के लिए, और को सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य जिसके पास आय के सीमित संसाधन है, वहाँ नेताओं के ऐसे ठाट वाकई हैरान करने वाले हैं। जो प्रदेश कर्ज के तले डूबा हो, वहाँ इस तरह की फिजूल खर्ची क्या राज्य के विकास में रोड़ा नहीं बनेगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।